राम राम सर, मैं हूँ प्रिया। मैं हूँ मयंक और आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल ब्रोसिस रिएक्शन में। सो गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं यही रे सॉन्ग पे। और ये मतलब कल से हम बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे क्योंकि ये गाना कल मॉर्निंग से हमने सोचा था आ ही जाएगा, बट ये रात को जाके कहीं मतलब ये गाना रिलीज हुआ। अब हम जल्दी से इस पहले इस सॉन्ग को सुनना चाहते हैं कि क्योंकि इसमें है यो यो हनी सिंह, मतलब हनी सिंह का ही रैप है, म्यूजिक है और वीडियो में भी वो फीचरिंग है और उनके साथ है लुरिया मंटू। तो सबसे पहले हम ये वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सब आए हैं खाली हाथ, सब जाएंगे खाली हाथ, हो जा मेरे साथ क्योंकि इस बंदे में है बात। शेक लाइक अ बेली डांसर, बीट के साथ रोमांस कर, नाचेंगे सब तेरे साथ, एवरीबॉडी पुट योर हैंड्स अप, के मैं तेरे पावर हिलाती है एफिल टावर, नाच नाच के भीग गई जा जा के ले ले शावर, ये छोड़ दे फालतू बातें, एवरीबॉडी वेटिंग फॉर यू नाच के दिखा दे। सो
गाइस ये था सॉन्ग याई रे, और ये सॉन्ग सच में काफी कमाल का था। सबसे पहले तो इसके म्यूजिक के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसका म्यूजिक बहुत ही ज्यादा तगड़ा था, और मतलब जो इसकी जो ट्यून थी ना वो पूरी वो टेन टेन एंड टेन 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 वो काफी तगड़ी थी, और साथ में फिर जो योयो का रैप था वो भी काफी कमाल का था, और जो एंड का पार्ट यो रे वो तो और भी ज्यादा कमाल का था। सरप्राइज था कि वो इस तरह से भी राइम करेंगे, मतलब इतना तगड़ा सरप्राइज था। और मतलब यूरिया की भी जो आवाज है ना, जो जिस तरीके से वो हिंदी में गा रहे हैं तो वो मतलब एकदम परफेक्ट हो गए हिंदी में भी। उनकी आवाज ऐसा कहीं से नहीं लगता कि मतलब ये कहीं बाहर के हैं और थोड़ा सा बाहर का टच आए, बिल्कुल प्योर हिंदी में एकदम जिस तरीके से यहाँ के सिंगर गाते हैं वैसी उनकी आवाज भी मतलब साउंड कर रही थी। तो ये लेकिन उनके जो पहले गाने आए थे ना उसके अंदर उनकी थोड़ी इंग्लिश टोन भी मिक्स थी, लेकिन अब उन्होंने उस पर काम करके इसको पूरा मतलब परफेक्ट कर लिया है। बाकी सच बोलूं ना, ये गाना मतलब सीरियसली हनी पाजी के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है, क्योंकि इसमें जो हम सब वेट कर रहे थे कि म्यूजिक भी हनी पाजी का हो और वीडियो में भी वही हो, रैप भी उनका, और इसमें सब कुछ उन्हीं का है, और स्टार्ट से आपको जो रैप सुनने को मिलता है ओल्ड वाइब, सच में जो उनका लुक है, जो उनके मतलब पहले जो जिस तरह से वो प्रेजेंट करते थे, जो उनका हेयर स्टाइल है, सब कुछ और पुराना सूट दिखाया ना भी पहने हुए ग्रीन में पिंक में Color. काफी तगड़े लग रहे हैं वो, मतलब मजा आ गई। और सच में ये बोल सकते हैं हम कि पार्टी एंथम मतलब हनी पाजी से अच्छा कोई नहीं बना पाया अभी तक में, जितने पार्टी एंथम्स उनके अभी तक चलते हैं ना जो पुराने गाने, तो अब ये गाना अभी तक तो मतलब हनी पाजी की 3.2 एल्बम आनी बाकी है, अभी तक आई नहीं, अभी तक तो बाकी है। ये वार्म अप है उनके फैंस के लिए भी, उनके लिए भी, कि अभी और बहुत सारा कुछ आना बाकी है और बहुत अच्छा आना बाकी। तो गाइस ये सॉन्ग हमें तो बहुत ही अच्छा लगा, आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी करते हैं इस वीडियो का एंड, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सजेशन देना, और अपना सपोर्ट इस चैनल पे यूं ही बनाए रखना। सो मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।